हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। टर्म सेकंड में ये चैप्टर आपका है, सिलेबस के अंदर है आपके टर्म सेकंड में, क्लास 10th में। अब इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, बट ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। इसमें भी देखो, इस चैप्टर से कुछ उन्होंने डिलीट किया है टॉपिक, वो आपको नहीं पढ़ना। जो उस जो सिलेबस में है हम वही करेंगे। अब देखिए, थोड़ा पहले इसके बारे में बता दूं, उसके बाद हम जो है इस चैप्टर को सोल्व करेंगे। यानी कि कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, तो इसकी जितनी भी थ्योरम्स हैं या जो भी कंस्ट्रक्शन है उनको हम विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रोलर, उनकी हेल्प से आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए, चैप्टर नंबर 11 यानी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। अब इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 11.1 एंड एक्सरसाइज 11.2। अब 11.1 जो है, इस एक्सरसाइज से सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है। एक ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और एक्सरसाइज 11.2 जो है, ये आपको कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। ये कंप्लीट आपके सिलेबस में है सीबीएसई में स्टम सेकंड के लिए। और एक्सरसाइज 11.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम फर्स्ट वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 11.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ गो टू एक्सरसाइज 11.1 एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, आपके सिलेबस में सेकेंड टर्म में सिर्फ यही क्वेश्चन है जो आपको करना है। इसमें यह है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जिसकी लेंथ 7.6 है, एंड डिवाइड इट इनटू इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। आपको इसको 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना, मेजर द टू पार्ट्स, उसके बाद इन दोनों पार्ट्स को आप मेजर करोगे। अब इसको किस तरह हम करेंगे, ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं इस क्वेश्चन की हम। ओके, अब पहले मैं एक 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ। इसकी लेंथ जो होगी वो 7.6 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए, मैंने इसको ड्रा किया, 7.6 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रा कर रहा हूँ। देखो, ये 7.6 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन ड्रा की। अब इसको मैंने, देखिए, एक पॉइंट को इसके ए माना, दूसरे को मैंने बी कंसीडर किया। अब इसको मैं एम, यानी कि इसको 5:8, यानी कि रेशियो जो देगी बने हमें वो है 5:8 के रेशियो में डिवाइड करना है लाइन को। अब इसको डिवाइड करने के लिए देखिए, मैं ये जो पॉइंट ए है इस पर एक एक्यूट एंगल बनाऊंगा, और बिलो ए बी, बिलो ए बी मैं एक एक्यूट एंगल बनाऊंगा। एक्यूट एंगल का मीनिंग यह है कि वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अब इसको मैंने, देखो, यहाँ से मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ। ये मैंने एक सिंपल एक्यूट एंगल बनाया, ये 14 तक लिया, देखिए मैंने। अब इसमें एक चीज़ समझने की है कि ये जो मैंने लाइन ड्रा की, जो एक्यूट एंगल बनाया, इसको 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, यानी कि 5+8 इनको आप ऐड करोगे 13 हो जाएगा। तो इसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, चलो 13 हो गया ये, ठीक है। अब ये जो मैंने लाइन ड्रा की, जो एक्यूट एंगल बनाया, इसको मैंने एक्स कह दिया, ठीक है। अब इनको नाम दूंगा मैं, ये आ जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, ठीक है। अब A13 से मैं B को ज्वाइन करूंगा, A13 से B को
ज्वाइन करा। अब देखिए जो रेशियो है वो 5:8 है। अब मैं A13B के पैरेलल एक लाइन ड्रा करूँगा A5 से, क्योंकि इसमें 5:8 है तो A5 से लाइन ड्रा करूँगा। इसके लिए देखो क्या करना है, पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए कंपास लेंगे, कंपास में कोई भी रेडियस, उसको मैंने A13 पर रखा और एक आर्क लगाया AX से BA13 पर। जिस रेडियस से मैंने ये आर्क लगाया उसी रेडियस से कंपास को मैं A5 पर रखूँगा और एक आर्क लगा दूंगा, ये ओके। नाउ अब ये जो रेडियस बनी इसको मैं कंपास के अंदर लूंगा, ये इस आर्क की लेंथ को, ये जो आर्क यानी कि जो मैंने BA13 और AX पर लगाया इसको मैं रेडियस को, ये आर्क मैंने कंपास के अंदर लिया और मैंने जहां पर ये A5 से मैंने आर्क लगाया था वहां से इसको मैं कट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब ये जो आर्क बना, ठीक है, यहां से A5 से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होते हुए लाइन ड्रा करूंगा, वो जो लाइन होगी वो A13B के पैरेलल होगी। देखो मैं ज्वाइन करता हूं इसको, ये आ गई, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैंने C कहा। अब ये जो C पॉइंट है इसने AB को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करा, यानी जो रेशियो आ गया मैं यहां लिखता हूं, देखिए इसको, यानी कि AC रेशियो CB जो होगा वो 5:8 होगा। अब इसके हम स्टेप्स लिखेंगे कि किस तरह से क्या हमें इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने होंगे। तो अब देखिए मैं इसके स्टेप्स लिखता हूं, स्टेप्स फर्स्ट वन, पहला स्टेप लिखा देखो मैंने कि पहले क्या क्या मैंने ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। नंबर टू, अब ये जो पॉइंट ए है इस पर मैंने एक एक्यूट एंगल बनाया, मेक एन एक्यूट एंगल एट ए बिलो AB। थर्ड वन, ये जो लाइन AX बनाई मैंने इसको 13 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, डिवाइड AX इंटू 13 इक्वल पार्ट्स। नंबर फोर, देन जॉइन B2 A13, जॉइन B2 A13। नंबर फाइव, ड्रा अ लाइन फ्रॉम A5 CA5 पैरेलल टू BA13 के मैंने पैरेलल लाइन ड्रा की। देयरफॉर सी डिवाइड AB इंटू 5:8। सी पॉइंट ने AB को 5:8 के रेशियो में डिवाइड करा। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन नंबर वन था, एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर वन है ये। देखो इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 उसके क्वेश्चंस को हम
सोल्व करेंगे, यानी कि उसकी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 11.2, देखिए, ये इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिव ऑल्सो द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, इन कंस्ट्रक्शन की जस्टिफिकेशन भी देनी है। अब क्वेश्चन नंबर वन है, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। अब देखिए 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें एक पॉइंट लेना सर्कल के सेंटर से और उस पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करनी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। फर्स्ट आई विल ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो मैंने 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया। ठीक है, अच्छा, अब देखिए मैं पहले इसकी एक रफ फिगर बना के दिखाता हूँ आपको जरा साइड से कि ये था। देखिए हम एक यहाँ बनाता हूँ, देखिए मैं एक सर्कल ड्रा करूँगा, ठीक है, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर होगी और इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट है, यहाँ से मुझे दो टेंजेंट ड्रा करनी है इस तरह से। अब ये जो टेंजेंट ड्रा करनी है, ये सर्कल के किस पॉइंट पर ड्रा करें वो पॉइंट हमें सर्च करने होते हैं। तो अब ये मैंने सर्कल बनाया 6 सेंटीमीटर रेडियस का, अब इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट लूंगा। ठीक है, ये देखिए ये पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट को मैंने पी कहा, इस पॉइंट पी से हमें सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा करनी है। ओके, अब देखिए यहाँ से टेंजेंट ड्रा करने के लिए सर्कल पर, तो सर्कल पर दो पॉइंट हमें सर्च करने होंगे जिन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, मैं इस ओपी लाइन का बाइसेक्टर ड्रा करूँगा। बाइसेक्टर मींस कंपास में ओ पे रखूँगा, पी पे रखूँगा और इसके मोर देन हाफ रेडियस लेकर एक आर्क ऊपर लगाऊँगा, एक आर्क नीचे, उसी रेडियस से जिस रेडियस से मैंने पी से लगाया है ओ पर कंपास रखूँगा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। ठीक है, अब जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगे मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद कंपास जो ये पॉइंट है, ये जो मैंने ये लाइन ड्रा करा, बाइसेक्टर ड्रा कराया है, ये पॉइंट सी है, सी पर मैंने कंपास रखा, ठीक है, और सी ओ रेडियस लिया मैंने, तो जितना सी ओ होगा उतना ही सी से पी होगा। ठीक है, और एक सर्कल ड्रा करूंगा, देखिए मैं इस तरह से, अब देखिए ये जो सर्कल है जो मैंने ड्रा किया है बाद में रिफरेंस सर्कल, ये ओरिजिनल सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये। अब इन दोनों पॉइंट पर हमें टेंजेंट ड्रा करनी है पॉइंट पी से ए पर, इनके पॉइंट पी पर मैंने पेंसिल रख दी और ये ए पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रा कर दिया। ये आगे थोड़ा ये रॉन्ग हो गया, थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर देता हूँ मैं, कि मैं ड्रा करता हूँ, ये मैंने पी पर पेंसिल रखी और ये ए वर्टेक्स से होते हुए ये टेंजेंट ड्रा हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैंने इस पॉइंट पी से बी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इस पर टेंजेंट ड्रा की, ये दो टेंजेंट मैंने ड्रा कर दी, एक ए पी और एक बी पी। ठीक है, अब उसके बाद मैं पॉइंट ए से ओ को ज्वाइन करूँगा, जस्टिफिकेशन देनी है। जस्टिफिकेशन के लिए मैंने पॉइंट ए से पी को ज्वाइन करा, जो कि ये रेडियस है सर्कल की, इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और ये ओ पी जो है, ओ पी ये 10 सेंटीमीटर है। ये जो एंगल बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ये देखो टेंजेंट से जब रेडियस ज्वाइन करते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होती है, ये 10 सेंटीमीटर है। अब हमें लेंथ निकालनी है टेंजेंट ए पी की, इसके लिए ट्राइंगल ए ओ पी में ओ ए पी ये एक राइट ट्राइंगल बना, इन ट्राइंगल ओ ए पी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा मैं, ओ पी का स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, यानी कि ओ पी स्क्वायर
इज इक्वल टू होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब देखिए ओ पी की वैल्यू 10 है, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए 6 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, माइनस करेंगे 64, ए बी के ऊपर से रूट हटा दूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा, यानी कि ए सॉरी ये ए पी, ए पी टेंजेंट है ये, ए पी, ए पी की जो वैल्यू फाइंड होकर आ जाएगी ए पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जितनी जो लेंथ टेंजेंट ए पी की होगी वही लेंथ टेंजेंट बी पी की होगी, बिकॉज ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इक्वल इन लेंथ। ओके, इस तरह से देख क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे हम। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखिए दूसरा कंसेंट्रिक सर्किल है, इसके रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंड मेजर द लेंथ एंड इट्स मेजर इट्स लेंथ, ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाई एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन से हम उन मेजरमेंट को भी फाइंड करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल ड्रा टू कंसेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो कंसेंट्रिक सर्किल्स वो होते हैं दो सर्कल जिनकी रेडियाई, जिनका सेम सेंटर होता है, डिफरेंट रेडियाई होती हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर रेडियस मैंने कंपास के अंदर ली और मैंने एक सर्कल ड्रा करा 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, नाउ अब हम 6 सेंटीमीटर लेंगे कंपास के अंदर, 6 सेंटीमीटर रेडियस कंसेंट्रिक सर्किल ड्रा करेंगे, अब हम देखिए इस पॉइंट से सेंटर से एक मैं रेडियस ज्वाइन करूँगा कंसेंट्रिक सर्किल पर, ये अभी लार्जर सर्कल है, इस सर्कल से मुझे स्मॉलर सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा करनी है। अब देखो टेंजेंट यहाँ से हम ड्रा करेंगे, इस पॉइंट को देखो मैंने ओ कहा सेंटर कंसेंट्रिक सर्कल्स का, ये पी कहा, अब मुझे पी से स्मॉलर सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करनी है, तो जिन पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रा करूँगा वो पॉइंट सर्च करूँगा, उसके लिए मैं इस ओ पी को डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाऊँगा, तो मुझे ओ पी का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। तो इसके लिए क्या करता हूँ, देखिए मैं मोर देन हाफ रेडियस लेकर ओ पी की एक आर्क में ऊपर लगा दूँगा, एक आर्क नीचे, पी पर मैंने कंपास रखा, उसी रेडियस से मैंने कंपास ओ पर रखा, एक आर्क ऊपर लगाया एक नीचे लगाया, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं आर्क उनको ज्वाइन कर दूंगा। मैंने ज्वाइन किया। ओके, अब देखिए ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट को मैं सी कहूंगा, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ओपी, सी पर कंपास रखी मैंने, ठीक है, और सी ओ रेडियस ली, जितनी सी ओ होगी उतनी ही ये सी पी होगी। जितने सी ओ है उतने ही सी पी है। ये सर्कल ड्रा करा, देखिए मैंने ये सिर्फ सर्कल जो ड्रा कर रहा हूँ मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करने के लिए, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करनी है। अब देखिए ये सर्कल ने, स्मॉलर सर्कल ने इनर सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया, मैंने इंटरसेक्ट किया, मैंने उसको ए कंसिडर करा और इसको मैंने बी कंसिडर करा। अब मैं टेंजेंट्स ड्रा कर दूंगा, टेंजेंट्स को ज्वाइन करूँगा, पॉइंट पी से ज्वाइन किया मैंने, ए पी आ गई, और इसी तरह से इस पॉइंट पी से मैंने बी पर ज्वाइन किया, ये दो टेंजेंट फाइंड होकर आ गई। अब इनके देखिए मैं एक्चुअल कैलकुलेशन से इनकी लेंथ फाइंड करूँगा, टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। अब देखिए ये ओ ए जो रेडियस है वो स्मॉलर सर्कल की है और ओ पी रेडियस जो है वो लार्जर सर्कल की है, ये जो एंगल बना वो 90 डिग्री का है। ठीक, अब ये ट्राइंगल ओ ए पी में
इन ट्राइंगल ओ ए पी में ओ पी का जो स्क्वायर होगा बराबर होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू, ओ ए की 4 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16, मैंने माइनस कर दिया, ये ए पी स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे ये 20 आ जाएगा, इस पर रूट लगा देंगे, ये ए पी स्क्वायर। ए पी अब ए पी फाइंड कर लेंगे, देखिए स्क्वायर लग गया, मैं हटा देता हूँ इसको। ए पी की वैल्यू देखिए, इस 20 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा 2√5 आ जाएगा, 5 × 4 कर ए पी। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ए पी जो होगी वो 2√5 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ए पी की जो लेंथ है वो 2√5 सेंटीमीटर है, ये ए पी फाइंड होके आ जाएगी। इस तरह से देखिए मैं टेंजेंट फाइंड कर लूँगा 2√5 सेंटीमीटर। ओके अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक टू पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ द एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, ड्रा टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, इन दोनों पॉइंट से पी और क्यू से हम टेंजेंट्स ड्रा करेंगे। तो पहले मैं 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करता हूँ, उसके बाद दोनों साइड में 7 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 2 पॉइंट पी एंड क्यू लूंगा मैं। मैंने कंपास के अंदर 3 सेंटीमीटर रेडियस ली, उसके बाद मैंने ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करा। अब इसके सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 2 पॉइंट लेनी, देखिए एक इसके लेफ्ट में ले दूंगा एक राइट में। तो देखो मैं 7 पर मैंने स्केल लिखा, 7 सेंटीमीटर मिड पॉइंट कंसिडर करा, और मैं 1 से स्टार्ट करूँगा लाइन ड्रा करनी, ये 14 तक ये आ जाएगी, ये पॉइंट ओ आ गया, ये पी है, ये पॉइंट क्यू है। अब हमें पी से भी टेंजेंट ड्रा करनी, क्यू से भी टेंजेंट ड्रा करनी, प्रोसेस वही यूज़ करेंगे। देखिए थोड़ी देर के लिए हम ओ क्यू को इग्नोर कर देते हैं, हम ओ पी को मान लेते हैं, और ओ पी पर से टेंजेंट ड्रा करेंगे पी से सर्कल पर। तो मोर देन हाफ रेडियस लेकर मैंने एक आर्क ऊपर लगाया, एक आर्क नीचे, वही मैं ओपी का बाइसेक्टर ड्रा कर रहा हूँ। इसी तरह से मैंने पी पर रखा, एक आर्क इधर लगाया, इन दोनों आर्कों ने जिस पॉइंट पर कटा उनको हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से देखिए अब जिस पॉइंट पर कट करा, मैंने इस पॉइंट को सी कहा, और सी पर कंपास रखकर मैं सर्कल बनाऊंगा रेफरेंस सर्कल, ये सी पर मैंने कंपास रखा और ये आ जाएगा जितनी रेडियस, पूरा सेट कर लेंगे देखिए इसको पूरा। आ गया अब देखिए जिस पॉइंट पर सर्कल ने इसको इंटरसेक्ट करा ओरिजिनल सर्कल को, वहां से ज्वाइन कर देंगे, वही टेंजेंट ड्रा करने का तरीका वही सेम ही है। मैं देखिए कंपास रखूँगा यहाँ पर, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आ जाएगा, इसको मैं पी कहता हूँ। इसी तरह से मैं इस पॉइंट पी से यहाँ ड्रा करूँगा, ये पॉइंट क्यू आ गया। तो दो टेंजेंट ड्रा हो गई, सॉरी इनको पी क्यू नहीं कहते हम, ए बी सी, ये पॉइंट मैंने पी कंसिडर किया हुआ है, ये की है, तो इसको मैं कह देता हूँ ये पॉइंट तो ए है, और ये पॉइंट इसको मैं बी कह देता हूँ क्योंकि पी ऑलरेडी कंसिडर कर रखा हमने ए बी। इसी तरह से सेम एज हम पॉइंट क्यू से ड्रा करेंगे सर्कल पर टेंजेंट, तो वही ओ क्यू की मोर देन हाफ रेडियस लेंगे ओ क्यू का, और एक आर्क ऊपर लगा देंगे, मतलब बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे इस लाइन ओ पी यू का, ओ पी ओ क्यू का, ओ क्यू का बाइसेक्टर ड्रा किया, देखिए मैंने ये आ गया, जहाँ पर ये बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे बाइसेक्टर करेगा वही, देखो सेम यही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस कोई चेंज नहीं है। अब मैंने ये जो पॉइंट है जिस पर ये बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, इसको मैंने डी कहा, डी पर कंपास रखा मैंने,
और ये रेडियस लिया मैंने डी ओडी एंड ये क्यू से भी पास होगा। ये ओ से भी पास हुआ सर्कल ये, और ये क्यू से भी पास हुआ। अब इस पॉइंट क्यू से हम टेंजेंट्स ड्रा कर देंगे। पॉइंट क्यू से टेंजेंट ड्रा करेंगे या ठीक है। अब इसी तरह से इस पॉइंट से हैंड ड्रा करेंगे या गया। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो दो टेंजेंट ड्रा हो गई, पी ए और पी बी और क्यू सी और क्यू डी। इस तरह से हम टेंजेंट ड्रा कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम यही तक करेंगे, और जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, देखिए 3 क्वेश्चंस कर लिए, 4 क्वेश्चंस और अभी बाकी हैं, वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले आप इन क्वेश्चंस की सही से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक स्टेप बाय स्टेप आप बना के नहीं देखोगे तब तक आप इनको नहीं सीख पाओगे। यानी कि एक स्टेप को पहले देखो, उसको बनाओ, फिर नेक्स्ट स्टेप देखो, फिर इसको बनाओ, तो 2-3 क्वेश्चन ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आप सही कर लोगे, फिर आसानी से आप कंस्ट्रक्शन सीख जाओगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वी विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस।